हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट एंड क्ले। आज हम आप लोगों को बताएंगे पेपर फ्लावर प्लांट कैसे बनाते हैं। एक कार्डबोर्ड से हम लोग फ्लावर टब बनाएंगे और कलर पेपर से फ्लावर और फ्लावर प्लांट बनाएंगे। तो देखिए, शुरू करने के पहले इसका जो फाइनल आउटपुट क्या होगा ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी। ये पहले देख लीजिए, तो बनाते वक्त आपको आइडिया रहेगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, कौन सा हिस्सा बना रहा हूँ और कैसे बना रहा हूँ। आप आराम से रिलेट कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ पतला सा वायर लिया हूँ, जो जो तार बोलता है बंगाली में वायर, वो ढलाई मतलब आपका जो हार्डवेयर दुकान है वहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 15-20 रुपया में मिल जाएगा आपको बहुत सारे। इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं इस्तेमाल किया हूँ। और एक कलर पेपर चाहिए मुझे, ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का, और थोड़ा सा वेलवेट पेपर लिया हूँ, टिश्यू पेपर भी थोड़ा सा लिया हूँ, और सुतली डोरी थोड़ा सा लिया हूँ, और कार्डबोर्ड तो है ही। देखिए, ये पूरा चीज़ मैं फिर से नीचे से अच्छा से करीब से आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप कनेक्टेड रहेंगे चैनल से, और मुझे भी थोड़ा हौसला मिलेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपका फीडबैक क्या है, आपको कैसे लगा है। मेरे को आपका फीडबैक, आपका सलाह सुझाव जो भी है वो मदद करेगा अगले वीडियो बनाते वक्त मेरा जो खामियाँ हैं उसको दूर करने के लिए। तो ये देखिए, मेरा ये जो फ्लावर प्लांट जो है ये मैंने टेबल में भी रख सकता हूँ, या फिर मेरा पूजा का डेकोरेशन में भी रख सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड पहले ले लिया, शुरू कर दिया मैंने। देखिए, कार्डबोर्ड एक 14 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर एक स्क्वायर शेप का कार्डबोर्ड ले लिया हूँ, और उसका एक हिस्से में मैं 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर छोड़ के बीच का 8 सेंटीमीटर पॉइंट कर लिया, और दोनों तरफ ऐसे ड्रॉ कर लिया। देखिए, स्केच पेन से ड्रॉ करूँगा और गाढ़ा काला हो जाएगा, देख पाएंगे आराम से। तो देखिए, एक तरफ मैंने पूरा हिस्सा ले लिया, पूरा कॉर्नर से खींचा, और बाकी तरफ मैंने 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर छोड़ दिया, और बीच का 8 सेंटीमीटर मैं रखा हूँ। अब इसको मैं एक नाइफ से उसको काट दे रहा हूँ, ये दोनों हिस्से में जो है वो काट दिया हूँ। तो काटने के बाद ऐसे ही एक आपको शेप मिलेगा, इसी शेप का मैं चार और तीन बनाएंगे, टोटल चार। और ये फ्लावर पॉट जो है हम लोगों का जो टब है उसका चारों तरफ का चार वॉल बनेगा। इसके लिए मैंने इसको ऐसे सजा लिया, देखिए, सटा के एक तरफ करके, और उसके बाद स्टिकी नोट से जोड़ दिया। स्टिकी नोट से जोड़ने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। मैंने बाहर की तरफ भी थोड़ा सा स्टिकी नोट डाल दिया हूँ, ताकि बाहर का जो डिसकनेक्टेड पोर्शन है वो कनेक्टेड हो जाए, और इसका ऊपर हम लोग जब टिश्यू पेपर लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, मेरा फ्लावर पॉट का ऊपर वाला हिस्सा बन गया है। अब मेरे को बेसमेंट या नीचे वाला हिस्सा बनाना है, उसके लिए मैंने एक स्क्वायर शेप का कार्डबोर्ड ले लिया हूँ, और स्क्वायर शेप का कार्डबोर्ड मापने के बाद उसको, एक्चुअली दो स्क्वायर शेप का कार्डबोर्ड लिया हूँ, एक मेरा जो फ्लावर प्लांट बनेगा उसके नीचे लगाएंगे और एक टॉप के नीचे लगाएंगे, तो मेरे को फ्लावर प्लांट को चिपकाने के लिए आसानी होगा। तो मैंने ये स्क्वायर शेप का जो कार्डबोर्ड लिया हूँ उसको फिर स्टिकी नोट से इसको चिपका दे रहा हूँ। चिपकाने के बाद इसके चारों ओर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। हर एक वॉल का चारों हिस्से में मैं थोड़ा 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर छोड़ के एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। बॉर्डर लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका ऊपर मैंने एक डिज़ाइन करूँगा, एक 3D डिज़ाइन करूँगा। आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो डिज़ाइन 3D डिज़ाइन ऐसे कार्डबोर्ड के ऊपर करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप कोई मोटा धागा, मैंने सुतली डोरी का इस्तेमाल किया हूँ, बंगाली में इसको सुतली डोरी बोलता है, एक मोटा धागा होता है, तो उसको चिपका दे रहा हूँ। तो जो मैंने जो लाइन ड्रॉ किया था उसके ऊपर गम लगा के, ये जो सुतली डोरी, आप चाहे तो कोई और किस्म का मोटा, थोड़ा मोटा किस्म का धागा, या पेपर को फोल्ड करके रोल करके उसको भी चिपका सकते हैं। देखिए,
मेरा चारों ओर चिपका दिया हूँ और ऐसे ही चारों ओर को डिज़ाइन कर दिया हूँ। हार्ड दीवार पे मेरा ये डिज़ाइन हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा गम लेके उसमें जितना काम लिया हूँ उतना पानी लेके घोल दिया और उसके बाद ब्रश से हल्का हाथ से पूरा चारों ओर दीवार में लगा दिया हूँ और उसके बाद एक टिश्यू पेपर चिपका दे रहा हूँ। एक या दो टिश्यू पेपर चिपका दीजिए और ऊपर में भी ऐसे ही गम को, गम वाला जो घोल है उसमें लगा के उसको ब्रश से हल्का से ब्रश कर लीजिए। उसमें क्या होगा, ये जो आपका सुतली डोरी जो लगाया हूँ, जो मोटा वाला धागा लगाया हूँ, उसका ऊपर भी एक लेयर बन जाएगा। तो ये एक सूखने के बाद एक कंप्लीट 3D आपको एक शेप मिल जाएगा। एक ऊपर ये जो डिज़ाइन वाला हिस्सा थोड़ा उघर के आएगा, थोड़ा बाहर की तरफ निकल के आएगा, प्रोमिनेंटली दिखाई देगा। तो मैं सूखने के लिए इसको छोड़ दिया हूँ और सूखने के बाद देखिए ये जो बन गया है पूरा चीज़, मैं उसको अब कलर कर रहा हूँ। मैंने ग्रे कलर चूज़ किया हूँ, आप चाहे तो किसी और कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मेरा जो 3D डिज़ाइन बनाए थे वो थोड़ा उघर के ऊपर आ रहा है। आप चाहे तो चारों ओर बॉर्डर में भी इसको लगा सकते हैं या कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं, आपके मनपसंद कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। लेकिन तरीका यही है कि आप एक मोटा धागा से चिपका लीजिए, उसके बाद इसको कलर करने के बाद सूखने के लिए छोड़ दीजिए। और हम लोग फ्लावर बनाने के लिए एक ब्लैक कलर का स्क्वायर शेप का पेपर ले लिया हूँ और उसका अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर दे रहा हूँ और उसके बाद सीजर से कैंची से उसको काट के एक सर्कल निकाल लूँगा ब्लैक कलर का। मेरे को ऐसे दो ब्लैक कलर का सर्कल चाहिए। एक सर्कल में मैं वायर को उसका अंदर डाल के उसको बांध देंगे और उसके ऊपर फिर दूसरा ब्लैक कलर का सर्किल चिपका देंगे ताकि वायर बाहर से दिखे ना। देखिए मैं ये ब्लैक कलर का सर्किल कट दे रहा हूँ और उसके बाद एक ब्लैक कलर का सर्किल में दो छेदा करेंगे। मैंने कंपास से किया हूँ, आप किसी भी नुकीला चीज़ से एक दो छेदा कर लीजिए थोड़ा सा दूरी में हॉरिजॉन्टली। और उसके बाद वायर का जो पतला वायर है उसका एक हिस्सा ऐसे अंदर घुसा के फिर दूसरी तरफ निकाल के फिर से दूसरी तरफ से उसको घुसा लीजिए और जिस तरफ से पहली बार वो अंदर गया था उस तरफ निकाल लीजिए। उसके बाद उस वायर को ऐसे फोल्ड कर लीजिए एक दूसरे के साथ। तो इसमें क्या होगा, जो आपका जो स्टेम बनेगा, ये जो वायर का हिस्सा है ये स्टेम बनेगा, ये थोड़ा स्ट्रांग होगा। अब इसका अंदर कटन डाल दीजिए, थोड़ा सा कटन ऊपर का हिस्से में थोड़ा सा ज़्यादा कटन दीजिए और बाकी स्टेम में एक यूनिफॉर्म कटन डाल दीजिए और उसके बाद धागे से अच्छा से उसको बांध दीजिए। धागा से अच्छा से बांधने के बाद स्टेम बनाने के बाद पतला पतला वही वायर का एक छोटा छोटा हिस्सा ले लेंगे और स्टेम के साथ हम लोग उसको जोड़ देंगे। देखिए मैं अभी भी स्टेम बना रहा हूँ, जो नीचे का जो फ्लावर का जो हिस्सा है जो लगा रहता है वो बना रहा हूँ और उसके बाद थोड़ा दो पतला वायर दोनों तरफ से ऐसे बांध दिया हूँ। इसको मैं इसका ऊपर पत्ता चिपकाऊंगा। तो पत्ता चिपकाने से ये पत्ता का जो रीड होता है, जो सीर होता है, वो बन जाएगा। तो स्टेम को पूरा कटन से और धागे से बांधने के बाद मैंने एक ग्रीन कलर का वेलवेट पेपर ले लिया। आप चाहे तो किसी भी ग्रीन कलर का पेपर ले सकते हैं या फिर इसमें टिश्यू पेपर को ऐसे ही गम लगा के इसको ऐसे चिपका सकते हैं और ड्राई होने के बाद ग्रीन कलर कर सकते हैं। तो तीनों तरीके से आप बना सकते हैं। मैंने वेलवेट पेपर लिया हूँ, मेरे पास वेलवेट पेपर था तो मैंने उसका स्ट्रिप लिया और ऐसे ही इसको चारों ओर से ऐसे राउंड राउंड करके चिपका दिया। ये देखिए मैं ये फाइनली एक स्ट्रिप चिपका रहा हूँ, शायद और एक स्ट्रिप लगेगा इसका ऊपर। वीडियो छोटा करने के लिए लेंथ मैं थोड़ा कट पीट के दिखा रहा हूँ, लेकिन तरीका सही है, यही है। तो इसी तरीके से मैं पूरा स्टेम को ऐसे ग्रीन कलर से कलर कर लिया, ग्रीन वेलवेट पेपर से मोड़ लिया। जो उसके बाद ये जो वायर है जो जिसमें मैं पत्ता चिपकाऊंगा उसको भी मैं एक पतला वेलवेट पेपर का एक स्ट्रिप ले लिया और उसको ऐसे फोल्ड करके लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद ये जब बन जाएगा तो मेरा स्टेम का हिस्सा पूरा बन गया है। अब मैं फ्लावर का जो पापड़ी होता है वो बनाएंगे। उसके लिए एक स्क्वायर रेक्टेंगल शेप का पेपर ले लिया और बीच से फोल्ड कर लिया और
फ्लावर का आधा हिस्सा ड्रॉ करूँगा, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। इसमें क्या होता है कि एक हिस्सा ड्रॉ करने से दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिक बन जाएगा और आपको सिमेट्री का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। कोई अगर ऊंच नीच थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो फ्लावर का दोनों साइड में ही होगा, तो आपको देखने में एक सिमेट्रिक पैटर्न लगेगा। तो मैंने ये पेपर को कट के एक जो पपड़ी का हिस्सा बना लिया हूँ, इसको मैं एज ए मोल्ड यूज़ करूँगा बाकी पपड़ी को बनाने के लिए। तो सारे ये पपड़ी जो है एक ही सेम शेप का और साइज़ का होगा। तो पपड़ी बनाने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल शेप का एक वेलवेट पेपर येलो कलर का ले लिया हूँ। आप चाहे तो आप किसी भी मनपसंद कलर का वेलवेट पेपर ले लीजिए, रेड या किसी और कलर का, और वेलवेट पेपर या कोई भी कलर पेपर ले लीजिए। मैंने वेलवेट पेपर लिया हूँ ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा सनफ्लावर जैसे फीलिंग्स आए। तो मैंने वेलवेट पेपर लिया हूँ और उसके बाद ड्रॉ करने के बाद मैं कैंची से कट दे रहा हूँ। आप अगर दो तीन रेक्टेंगल एक साथ रेक्टेंगुलर पेपर को जोड़ के ड्रॉ कर लेंगे और काट लेंगे तो दो चार एक साथ हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे किया हूँ। मैं 8 या 9 ऐसे पपड़ी बनाया हूँ। आप 8, 9 या उससे भी ज़्यादा पपड़ी बना सकते हैं। और इसको ये जो मैंने सर्कुलर ब्लैक कलर का जो हिस्सा है उसका चारों ओर चिपका देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले चारों ओर थोड़ा गम लगा दे रहे हैं। गम लगाने के बाद उसमें क्या करेंगे, ये जो पपड़ी जो बनाया है वेलवेट कलर का, येलो वेलवेट कलर का, उसको मैं चिपका दूंगा चारों ओर। चिपकाते वक्त ध्यान रखिएगा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पपड़ी का वो सिमेट्रिक रहे। तो ये चिपका रहा हूँ, देखिए। ऐसे ही मज़ेदार क्राफ्ट आइडिया मैं लेके आता हूँ इस चैनल में। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं नया वीडियो लाऊंगा आपको इंटीमेशन मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप अगर क्राफ्ट और क्ले का आइटम में इंटरेस्टेड रखते हैं, ऐसे मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सलाह सुझाव या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ आइडिया चाहिए तो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। देखिए मेरा फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब मैं पत्ता बनाऊंगा। पत्ते के लिए मैं एक रेक्टेंगुलर शेप का मैं 4 पत्ता बनाऊंगा, 2 पत्ता थोड़ा बड़ा साइज का, 2 पत्ता थोड़ा छोटा साइज का। तो रेक्टेंगुलर शेप, अच्छा, पत्ता बनाने के पहले मैं ये जो ब्रिंथ बोलता है बंगाली में वो बनाएंगे, मतलब एकदम फ्लावर का नीचे का हिस्सा बाहर की तरफ जो है वो बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप का एक पेपर ले लिया हूँ और उसका एक हिस्सा ऐसे फोल्ड करने के बाद एक ट्रायंगुलर स्पाइक बना दे रहा हूँ। ये देखिए खोलने के बाद बहुत सारे ट्रायंगुलर शेप का वो स्पाइक की तरह बन जाएगा। और एक हिस्सा मैं प्लेन रखा हूँ और थोड़ा साइड से कट के राउंड शेप कर दे रहा हूँ ताकि चिपकाते वक्त मेरे को आसानी रहे। अब थोड़ा सा कटन लेंगे और फ्लावर का जो नीचे का हिस्सा है, बिल्कुल नीचे का हिस्सा है, उसमें थोड़ा सा मैं और थोड़ा कटन डाल दूंगा ताकि और थोड़ा मोटा बन जाए। और मोटा बनने के बाद मैं इसके ऊपर फ्लावर का जो ये है ब्रिंथ जो बनाया है वेलवेट कलर का, उसको मैं चिपका दूंगा। देखिए बन गया मेरा, इसको मैं चारों ओर से चिपका दूंगा। ये मेरा जो वृत्ति होता है वो बन गया। अब मैं पेपर से पत्ता बनाऊंगा, लीफ बनाऊंगा। लीफ के लिए मैं रेक्टेंगुलर शेप का 2 पेपर ले लिया और उसको बीच से फोल्ड कर लिया और पत्ते का आधा हिस्सा मैं ड्रॉ करूंगा। पत्ता कोई भी डिज़ाइन का या शेप का बना सकते हैं। मैंने थोड़ा जो स्पाइकी कार्वी पेपर बनाने का सोचा हूँ, थोड़ा स्टाइलिश लगेगा। देखिए ऐसे करके आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप किसी भी शेप का पेपर बना सकते, पत्ता बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 पत्ता बनाने का दिखाया हूँ, बाकी 2 मैं सिमिलर तरीके से आप बनाएंगे। बनाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऊपर का पत्ता जनरली थोड़ा सा छोटा साइज़ का होता है नीचे के पत्ता से, तो थोड़ा छोटा साइज़ का पत्ता बनाइएगा। एक ही तरीका है, मैंने बस स्किप कर लिया क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था। तो मैंने थोड़ा कट के एडिटिंग के वक्त मैं थोड़ा कट दिया हूँ। तो 2 हिस्सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा करीब से दिखा रहा हूँ आपको, देखिए।
आप किसी भी सेब का पत्ता काट सकते हैं, ऐसे नहीं है कि इसी सेब का बनाना है। आपको चाहिए तो एक जो लव सिंबल टाइप का जो होता है उस टाइप से भी पत्ता बना सकते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग रखता है। और पत्ते को आप बीच से फोल्ड कर लेंगे तो मतलब और भी अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे सिंपल एक पत्ता बनाया हूँ जो बीच से सिर्फ एक ही फोल्ड है, जो मेरा रीड बनेगा, जो सिरा बनेगा पत्ते का। देखिए पत्ता लगभग कटना कंप्लीट हो गया, मैं इसको खोल रहा हूँ। खोलने के बाद देखिए सेम डिज़ाइन मेरा दोनों हिस्से में हो गया और दो पत्ता निकल गया। अब इसका बीच से मैं काट के अलग कर दे रहा हूँ। अब ये जहाँ पे जो फोल्ड किए थे बीच से, वहाँ से थोड़ा गम लगा के ये जो पतला पतला वायर मैंने बांधा था स्टेम बांधते वक्त, उसको मैं चिपका दे रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि ये आपका पत्ता जब सूखने के बाद ये आप आराम से इस पत्ते को फोल्ड कर सकते हैं, आसानी से किसी भी एंगल में आप उसको फोल्ड कर सकते हैं और एक ब्यूटीफुल शेप दे सकते हैं। जैसे देखिए अभी मैं इसको फोल्ड कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा कार्व भी कर दे रहा हूँ पत्ते को। देखिए मेरा लगभग लगभग प्लांट तैयार हो गया, पत्ता तैयार हो गया, स्टेम तैयार हो गया, फ्लावर तैयार हो गया। ठीक है, अब इसका स्टेम को भी मैं मोड़ सकता हूँ, आराम से अपने हिसाब से एक शेप दे सकता हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने चिपका दिया जो टब मैंने पहले बनाया था। और आपके पास अगर रेती है तो टब में डाल दीजिए, मिट्टी है तो डाल दीजिए। मेरा पास नहीं था तो मैंने वेस्ट पेपर कुछ था उसको डाल दिया। इसको भी आप कलर कर सकते हैं और इसको किसी टेबल में या जहाँ पे आपका भगवान जी कोई पूजा फेस्टिवल में अगर भगवान जी का स्थापना करते हैं उसका बाजू में रख दीजिए। जो पैंडल या सिंहासन आप बनाते हैं उसका नीचे या बाजू में रख दीजिए। यहाँ पे मैंने जो मेरा सरस्वती टेम्पल बनाया था उसके अंदर सरस्वती जी का स्थापना किए और उसका बाजू में रख दिए हैं, बहुत ही बहुत खूबसूरत लगेगा वो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई एक नया आइडिया के साथ। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए। अगर पसंद नहीं आया है तो बताइए हमें क्यों पसंद नहीं आया है, हम उस हिसाब से अपना जो है इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, अगले वीडियो में इम्प्रूव करेंगे अपने आप को। तो चलते हैं आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके टाइम के लिए धन्यवाद।